हेलो एंजल्स, किड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे स्लीपिंग लाइन से इजीली किड्स को LIT लिखने की वीडियो शेयर की थी, और अब मैं आज अपने इस वीडियो में आपको स्लीपिंग लाइन से और स्टैंडिंग लाइन से हम इजीली किड्स को कौन सी ड्राइंग सिखा सकते हैं ये बताने वाली हूँ। तो नाउ वीडियो शुरू करते हैं। हेलो किड्स, आज हम स्क्वायर, रिक्टेंगल शेप्स और डोर एंड विंडोज बनानी सीखेंगे कि कैसे किड्स उनको इजीली बनाकर सीख सकते हैं, क्योंकि प्री स्कूल्स में मोस्टली कलरिंग सिखाते हैं, ड्राइंग करनी नहीं सिखाते। इसलिए जब वह LKG या नर्सरी वाले, मतलब जो भी उनका स्कूल होता है, जो आगे उन्होंने स्कूल में जाना होता है, तो उसमें जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो ड्राइंग में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनको कलरिंग तो आती है, लेकिन जब टीचर कहते हैं कि कुछ भी ड्रॉ करो तो उनको ड्रॉ करना नहीं आता। इसलिए किड्स को लिखने पढ़ने के साथ साथ हमें उनकी ड्राइंग पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए, और ताकि वह इजीली सब कुछ ड्रॉ कर सकें। तो नाउ अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि एक तो पहले हमने जब भी कुछ भी बनाना है, बच्चे को ड्राइंग सिखानी है, हम आज से शुरू कर रहे हैं, तो उनको पहले मैथमेटिक्स की हमने कॉपी लेनी है। वो मैथमेटिक्स की कॉपी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी स्लीपिंग लाइंस, उनको सिर्फ स्लीपिंग लाइंस और स्टैंडिंग लाइंस आती हैं, इससे उनकी स्लीपिंग लाइंस और स्टैंडिंग लाइन में प्रॉपरली वो ड्राइंग बना सकते हैं। इस यदि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे डॉट भी लगा के दे सकते हैं कि जैसे हमने रिक्टेंगल बनानी है, तो उसके लिए हम उनको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ऐसे करके हम उनको दे सकते हैं कि डॉट्स लगा दिए, तो आप उनको जॉइंट करो जैसे ऐसे, तो इससे बच्चों को पता चलेगा कि वो जॉइंट्स करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो रिक्टेंगल शेप बना रहे हैं। तो आप उनको बताओ कि ऐसे यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, एक बात है कि आप जब भी उनको कुछ सिखाते हो, छोटे हैं, उनको बोल बोल कर सिखाना पड़ता है, तो आप उनको बोल कर सिखाए, वही उनको हैबिट हो जाती है। जैसे अब ये उन्होंने रिक्टेंगल बना ली है, तो उनको बताओ आपने ऐसे किया, स्लीपिंग लाइन डाली, फिर स्टैंडिंग लाइन्स डाली हैं, उसके बाद स्लीपिंग लाइन, तो इससे ये रिक्टेंगल बन गई है। तो अब हम जैसे बनाएंगे, अब हम स्क्वायर बनाएंगे, तो इसके लिए भी आप उनको डॉट से समझा सकते हो कि आप डॉट लगा कर दे दो, तो जो किड है वो भी डॉट लगा लेगा आगे से, तो फिर उसकी सुंदर ड्राइंग होगी। जैसे जैसे उसकी सुंदर ड्राइंग होती जाएगी तो उसको भी खुशी होगी, हमको तो होगी ही होगी। जैसे आप देखो, अब हमने बना लिया स्क्वायर, हमारा स्क्वायर इजीली बन गया। अब बच्चों को सिखाएंगे कि डोर कैसे बनाएं। जैसे इसको हम, जैसे हमने ये देखो ऐसे लाइन लगा ली है, तो इसको लॉन्ग, उनको कह दो स्लीपिंग लाइन लॉन्ग लगकर जानी। वैसे स्टार्टिंग में एक दो बार आपको उनको डॉट लगा कर देनी पड़ेगी ताकि वो बना सकें, उसके बाद वो अपने आप ही डॉट लगा कर बनाना शुरू कर देंगे और सिंपल ड्राइंग भी बना सकेंगे। ये देखो, ये देखो हमने इसको बना दिया। अब इसके बीच में एक स्टैंडिंग लाइन कर देंगे जिससे बच्चे की प्रॉपरली ड्राइंग हो जाएगी, और उसको अच्छा भी लगेगा कि हम, मैं इतना सब कुछ बना सकता हूँ, इतना सब कुछ कर सकता हूँ। तो जैसे ये हमने बना लिया, देखो डोर बन गया ये का। अब जैसे हम विंडो बनाने सिखा रहे हैं, या कपबोर्ड कह लो, कुछ भी कह लो इसको, हम बच्चे को जो मर्जी आए वो सिखाओ आप, लेकिन उनको इतना आना चाहिए कि बच्चा अपने आप बनाने के लिए हो जाए कि हाँ मैंने अब अपने आप बनाना है। जैसे अब देखो ये विंडो बन गई है, जैसे को कपबोर्ड वाली विंडो पे कह दें, जैसे किचन में होते हैं ये स्मॉल वाली, चाहे इसको ऐसे कर दो कि इसके हैंडल लगे हुए हैं, वन पाके डॉट पाके ऐसे भी कर सकते हो, मतलब जैसे मर्जी करो। आपको ये बात ये होती है कि आपने तो बच्चे को सिखाना है कि बच्चा इजीली जब ये बनाना सीख जाएगा तो उसको भी खुशी होगी कि मुझे ये बनाना आता है, वो जल्दी जल्दी बनाएगा, इसके जो स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन सब कुछ वो अच्छे से बना सकेगा। और अब आपने देख लिया कि मैंने कितने ईजी तरीके से 4 थिंग्स बना ली हैं जो बच्चे ईजीली जब बना लेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी, और वो आगे भी जल्दी जल्दी ड्राइंग भी बनाना प्रॉपरली सीख जाएंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो
आपको मेरा ये पैटर्न बच्चों को सिखाने का पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।